भक्ति भाव पूर्ण संपन्न हुआ संगीतमय सुंदर कांड पाठ। बताते चले कि हिंदू धर्म में माने जाने वाला पवित्र मास श्रावण मास का एक अलग ही महत्व है। यह महीना हिंदुओं के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ और महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में इन दिनों पवित्र श्रावण मास के चलते मंदिरों शिवालयों में भक्तगण अपनी निज निवासों में धार्मिक अनुष्ठान करा रहे हैं। वहीं बालाघाट के वारसिवनी क्षेत्र अंतर्गत डोंगरी माली ग्राम के सरपंच मनोज लिल्हारे के निज निवास में भी सप्ताह के हर मंगलवार को संगीतमय सुंदर कांड पाठ का आयोजन किया गया है, जहां विधि विधान से सप्ताह के लगातार 5 मंगलवार को भगवान की पूजा अर्चन कर सुंदर कांड का पाठ पढ़ा गया। वहीं इस 5वें और अंतिम मंगलवार को भी विधि विधान के अनुसार सुंदर कांड का पाठ पढ़ा गया, साथ ही अंतिम में प्रसादी वितरण भी की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्राम के श्रद्धालु भक्तगण, ग्राम की महिलाएं, पुरुष और बच्चे सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। न्यूज 24 HD बालाघाट से भास्कर द्वाज की एक खास रिपोर्ट। धार्मिक अनुष्ठान किया गया था, ये हम लोगों ने विचार बनाया 5 मंगलवार तक के सुंदरकांड का पाठ कंटिन्यू 5 मंगलवार तक हमारे घर पे सुंदरकांड का पाठ हुआ है। ये अंतिम सुंदरकांड का पाठ था जो 5वां मंगलवार। लगभग समझ लीजिए कि धार्मिक जो क्षेत्र है, धार्मिक क्षेत्र में हमारी खुद की सोच ये है कि धार्मिक कार्यक्रम घर में, गांव में होते रहना चाहिए। इससे आने वाली जो जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, उन्हें मालूम होता है कि किस प्रकार से हमारे धार्मिक आयोजन हुआ करते थे। क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है, वह एक तरीके से धार्मिक आयोजन की तरफ से अपना रुख मोड़ ली, लेकिन उन्हें कौन बताएगा? उन्हें हम ही तो बताएंगे कि वे धार्मिक अनुष्ठान किस प्रकार के होते थे, कैसे होते थे। अभी हमारे यहाँ पे जो कार्यक्रम जो रखा गया था, इस कार्यक्रम में हमने ज़्यादा से ज़्यादा गांव के सभी व्यक्तियों को जोड़ा और उन्हें बुलाया, निमंत्रण किया। साथ में हमारे क्षेत्र के जितने युवा थे उन्हें भी बुलाया, उन्हें भी निमंत्रण किया, वह भी आए। उन्होंने बैठ करके सारा सुंदरकांड बैठ करके सुना और सुनने के बाद में भाई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो असर उन पर हुआ होगा। तो इस प्रकार के आयोजन जो है होते रहने से मैं संदेश ये देना चाहूँगा कि भाई सबसे सर्वप्रथम तो धर्म है, धर्म के प्रति सभी को सतर्क रहना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि धर्म से मुझे हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं, मुझे मतलब ये है कि धर्म, हिंदू अपने जगह सतर्क रहे, मुस्लिम अपने जगह सतर्क रहे, सभी लोग अपने अपने अनुष्ठान कंटिन्यू करते रहें, ताकि हमारी युवा पीढ़ियों को मालूम होते रहे कि भाई हमें धर्म के प्रति भी सतर्क रहना है। क्योंकि सर्वप्रथम धर्म से अगर चाहें हम तो आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छी सोच दे सकते हैं, एक अच्छी शक्ति दे सकते हैं और एक राह ऐसी मिल सकती है उन्हें चलने के लिए जो धर्म पे चलती है। हम आध्यात्म की बात करें तो आध्यात्म को किस तरह से आध्यात्म एक मेरे हिसाब से सबसे प्रथम जगह है। आध्यात्म का ज्ञान हर किसी को होना चाहिए और यह ज्ञान कैसे जाएगा, तो ज्ञान जाने का यही एक मुख्य माध्यम है कि अनुष्ठान होते रहना चाहिए।